दोस्तों अभी चलिए हम अपनी जो ओवर अंडर 12 बोर है इससे शक्तिमान के ये राइफल्स लगे हमारे पास में दो, ये दोनों चला के इनके कुछ रिजल्ट देखेंगे। पहला रिजल्ट हम देखेंगे कितना FPS जनरेट कर रहा है, क्या देखते हैं ये मीटर इसको कैच कर पाता है कि नहीं इसके FPS को। ये क्रोनी मीटर है, इसकी भी टेस्टिंग हो रही है, ये इस FPS को चेक करता है। सामने टारगेट रखा है हमने 300 फीट पे, जरा दिखा देना जूम करके, 300 फीट पे इसको चला के देख रहे हैं कि इसका क्या ग्रुपिंग बनती है, क्या ये 28 इंच की बैरल से राइफल स्लग वहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम राइफल स्लग डाल दिया है और क्रोनी सेट कर दिया है, चलिए दिखाइए आप लोग। हाँ ये देखिए 1360 FPS, देखिए आपको रीडिंग दिखाते हैं हम लोग, ये देखिए 1360 FPS पे राइफल स्लग चला है। दोनों दिखा लेना आप बराबरी, दिख रहा है क्लियर। ये अभी सेकंड हम इसकी ग्रुपिंग भी देखेंगे, ये दिख रहा है हमको थोड़ा शायद लेफ्ट में जाते हुए। एक और हम इससे चलाएंगे और इसकी देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। चलिए एक राउंड और चलाएंगे इससे और ग्रुपिंग भी मिल जाएगी और FPS भी मिल जाएगा। ये देखिए 1394, ये देखिए ये पहला FPS तो हमारा हमने पत्थर डाल के चेक किया था, दूसरा 1360 FPS आ रहा है। आगे आके दिखाना, ये देखिए 1394, मतलब ये 1400 FPS के लगभग ये चल रहे हैं राइफल स्लग। वहां चल के आपको इसकी अब हम ग्रुप 300 फीट के डिस्टेंस से ये ग्रुपिंग बनी है, इसको हम टारगेट कर रहे थे, इसको हमने हथेली से कम लिया, देखिए 3 इंची का टारगेट, मतलब 3 उंगल के बराबर लिया है और उंगली के बराबर टारगेट, इतना हमने टारगेट लिया था। ये ग्रुपिंग बनी है 300 फीट से 28 इंच की बैरल पे, ये 300 फीट का हमारा वो है। और पीछे ये जो है कहीं इसमें नहीं लग पाए शायद लोहे की टंकी पे, हाँ लगा है, देखिए ये दोनों के दोनों लोहे की टंकी पे, देखिए यहाँ से टकरा के चले गए साइड से। और सेफ जगह है, पीछे पहाड़ी है हमारी, गोली चूकने के बाद भी किसी को लगने का कोई डर नहीं है। ये यहाँ से टकरा करके निकल गए, इसको बेंड करते हुए अंदर नहीं घुसे, रुक दो